बताना है, जब कबीर मेरे साथ बैठा हुआ था और हम लोग चंबल में भीड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्राउड था मुझे बड़े शौक से रोज़ बताते थे, यहाँ पे हर बच्चे के पास में AK-47 है, दूध वाले के पास भी बंदूक है। तो एक दिन, तो मैं सुनती रहती थी, तो एक दिन मुझे बैठे बैठे कहते यार तुम में बड़ी हिम्मत है, तुम ही हो जो यहाँ पे शूट करने आई हो, और कोई ना कोई एक्टर नहीं आता था, कोई हीरो नहीं आता था, कोई एक्ट्रेस नहीं आती थी। सो लाइक आई सेड, बिकॉज मुझे पता नहीं था तुम मुझे कौन सी जगह लेके जा रहे हो, अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपनी जान एक फिल्म के लिए कभी जोखिम में नहीं डालती थी। तो आई थिंक इग्नोरेंस जी नहीं जा रहे तो जी नहीं, मुझे पता नहीं था कि हमारे आज के लाइक ऑनेस्टली इस सेंचुरी में, इस डे एंड एज में अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हर किसी पे 3-4 मर्डर केस चल रहे हैं और वो ऐसे घूम रहे हैं। मुझे लगा कि शायद पुरानी बात होगी, लेकिन जब इन्होंने मुझे कहा इन भीड़ों में अभी भी बागी होते हैं, तो मुझे थोड़ी तो हैरानी हुई कि यहाँ पे। और हम लोग एक दिन शूट रैप करके जा रहे थे, तो कुछ बागी आ गए थे, इनको हमारी गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ, वो थोड़ा सा चेक पॉइंट सा था वहाँ पे, तो वहाँ से निकल रही थी, तो गाड़ियाँ अचानक से रुक गई, 10-15 मिनट हो गए। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कबीर सर को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो गया, सबकी गाड़ियाँ क्यों रुक गई? तो ये गन पॉइंट पे थे, इनको कहा जा रहा था कि अपनी एक्ट्रेस को निकालो और हमें उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है। पर तो लेकिन इन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई, इन्होंने कहा एक्ट्रेस नहीं निकलेगी, तुम चाहे मुझे मार डालो, मुझे पता भी नहीं था। तो अपनी जान पे खेल के मुझे बचा के लाए। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.